मॉर्निंग. तो हम लोग निकल रहे हैं. इट्स 7 o'clock 7:30 7:45 एंड वी आर गोइंग टू क्लियर वाटरफॉल्स. पानी अच्छा खासा है. कल लोगों से थोड़ा सा पूछा था. दे सेड दैट पानी अच्छा है अभी वाटरफॉल में. लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो बिल्कुल ही खाली चट्टान थी वहाँ. एंड बहुत अच्छा वेदर हो रहा है. अच्छी खासी ठंड है फॉर विच आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. जैकेट वैकेट कुछ भी नहीं है बट अच्छा है. टॉलरेबल है. बस नाइस एंड प्लेजेंट. गाड़ी पार्क कर ली है. बस छोटा सा एक वॉक है टिल द एंट्रेंस एंड देन देर इज अ डिसेंट. तो ये वाटरफॉल के लिए ऊपर नहीं जाना तो नीचे जाना है. स्टूपिड बात बोलती. हाँ तो क्या है, नीचे जाना है. अभी बहुत सारा वॉक करना है. नीचे जाना आसान है. ऊपर आते आते हालत पतली हो जाएगी. बीइंग अ संडे आज थोड़ी बहुत मतलब क्राउड ज़्यादा नहीं है. 8 बजे ओपन होता है एंड हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं 8:05 पर. तो इसलिए क्राउड अभी ज़्यादा नहीं है. हम लोगों ने सोचा था जैसे चिकमंगलूर में हमने वाटरफॉल कवर किया था वैसे ही ये वाला वाटरफॉल भी कवर करेंगे. तो क्राउड डेफिनेटली ज़्यादा नहीं है तो मज़ा आएगा. हाँ. जो वाटरफॉल का डिसेंड है दैट इज सपोज टू बी क्वाइट ब्यूटीफुल. हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तब एक बूंद पानी नहीं था. बस बंदर थे. हाँ. बंदर और जो एक हाथ दो तीन बूंद यहाँ वहाँ गिर रही थी उसमें से बेचारे बंदर पानी पी रहे थे. तो लेकिन उस टाइम भी डिसेंड काफ़ी अच्छा था. हाँ. तो ग्रीनरी है बहुत. हाँ ग्रीनरी है. आज तो बारिश भी हुई है. वाटरफॉल में पानी भी है तो कुड बी गुड. जी हाँ यही एंट्रेंस. मेरे डायलॉग तो मेरे को कंप्लीट नहीं करने देते हो. ये एंट्रेंस है. ठीक है अगर आप तमिल समझते हो तो ये. कचरा तो खैर है ही. दिस इज द स्पॉट क्लियर वाटरफॉल्स जहाँ पे लास्ट टाइम हमको दिया था गोप्रो ने धोखा. हिल गया था. थकता नहीं गया. यहाँ बैठ जा. आराम से. बीच बीच में इन्होंने बैठने की जगह बनाई हुई है. दिस काफ़ी स्टीप है. कोशिश करेंगे कि आते समय स्टेयर केसेस काउंट करें कितने. देखते हैं आते टाइम हो पाता है क्या. सांस ही रह पाएंगे. लुक एट दिस. Oh man. कचरे की वैरायटी अगर पे गौर की जाए तो यहाँ मिलेगा आपको प्लास्टिक का बॉटल, डाइपर, मास्क और डाइपर, प्लास्टिक 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 अंडरवेयर, मास्क मास्क प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक. ये देखो हीरो बनता जल्दी जाके. हंड्रेड. हाँ हंड्रेड हो गए. मैं फर्स्ट आ गई. यार बुढ़ो लोग आके बैठ गए यहाँ पे. 217 स्टेप्स. मैं तो इतनी फ्रेश हूँ लाइक दिख रहा है. 200 स्टेप्स नथिंग. टू हंड्रेड एंड एट्टी स्टेप्स. 280.
और उसके बाद 3 या 4 मिनट की चढ़ाई। अरे वही इंडिजिनस ही है। देखो कौन मिला, एक फ्रेंड बना। हाय, हाउंड लग रहा है ये ना, छोटू मुदुल। हाँ टाइप मुदुल, हाउंड मुदुल का। बहुत ही मस्त ऊंचा है। यू थिंक इट्स मृदुल हाउंड, अपनी इंडिया की इंडिजिनस ब्रीड। तो पता नहीं यहाँ क्या कर रही है, मतलब मिक्स भी हो सकती है। हाँ मिक्स भी हो सकती है, पीछे ही नहीं छोड़ रही है। चल वापस जा, घर कहाँ है तेरा? ये देखो एक रिफ्रेशिंग लाइम सोडा। सो दिस इज द एयरपोर्ट लेक। बोटिंग वोटिंग भी होती है यहाँ पे, लेकिन अभी तो खैर इट्स टू अर्ली, सब बंद ही है। तो बोटिंग करने के लिए ज़्यादा सब नहीं। अच्छा लगी है बहुत तेज भूख, तो जा रहे हैं वापस होटल फॉर ब्रेकफास्ट। सो आउटडोर सीटिंग के साथ वी आर हैविंग अ ब्रेकफास्ट, फ्रेश पाइनएप्पल जूस, पपायास, ये है चॉकलेट पैनकेक, इडली विद गन पाउडर, कारा वड़ा, सांभर। मेरे पास ये भी है, उपमा। उपमा भी है और डोसा। एंड डोसा और घी रोस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? घी रोस्ट। तो हम लोग निकल गए हैं रिजॉर्ट से। वी आर गोइंग टू दी 20 हेयर पिन सेलम एयरकॉट रोड और वहाँ से फिर घर। तो 205 किलोमीटर हो गया है, 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, बट टाइम ऑलमोस्ट सेम ही है। तो लेट्स गो। ये एयरकॉट का मेन स्ट्रीट है। हाँ यहाँ पे आप रात में आओ तो काफ़ी चहल पहल रहता है, वीकेंड्स पे एटलीस्ट। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं रास्ता जो है, 3 रूट्स जाती हैं, बस इतना ही है मेन शहर। लेफ्ट में है एयरकॉट लेक जो सुबह हम लोगों ने दिखाया था, जहाँ से एक रोड बस स्टैंड की तरफ जाती है, दूसरी रोड जाता है पगोड़ा पॉइंट, जहाँ जो हमने कल दिखाया था। बस इतना ही है एयरकॉट, छोटा सा प्यारा सा शहर। ये है रास्ता आगे का, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा तरोड़ मरोड़ के रास्ता है एकदम। पुढ़ील वाट वाकड़ी तिकड़ी आहे। जब गो गोवा गोकर्णा राइड में हम लोग महाराष्ट्र में एंटर किए थे, उस पर वहाँ ऐसे ही लिखा हुआ था, पुढ़ील वाट वाकड़ी तिकड़ी आहे।
हम लोगों ने अभी ड्रोन उड़ाया, फुटेज तो काफ़ी अच्छा आया हम लोग को लगता है। अभी दिस इज़ आवर सेकेंड टाइम ड्रोन उड़ाने का या थर्ड टाइम, तो अभी सारे फीचर्स उसके सीखे नहीं है। सिनेमैटिक फुटेज कैसे आता है वो यूट्यूब पे देख के सीखना है हम लोग को, लेकिन बिगिनर्स के हिसाब से फुटेज काफ़ी अच्छा है। मतलब क्रेडिट टू द कैमरा, क्रेडिट टू द ड्रोन। गिम्बल इमेज स्टेबलाइजेशन काफ़ी अमेजिंग है, जबकि आज काफ़ी हवा चल रही है। मैप्स पे दिखा रहा था कि अराउंड 11 टू 15 किलोमीटर्स पर आवर की विंड है, लेकिन इमेज स्टेबलाइजेशन या वीडियो स्टेबलाइजेशन इज़ माइंड ब्लोइंग। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। तो बेसिकली ये था एयरकॉट का ट्रिप। घाट सेक्शन से उतरने के बाद हम लोग कहीं बैठ के लंच करेंगे और उसके बाद वापस घर। सेलम एयरकॉट रोड इज अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया रोड है। ए आंटी, आंटी का N95 मास्क उड़ गया। आप लोग अगर एयरकॉट आए तो प्लीज़ ये रोड मिस नहीं करना। बैंगलोर से आते टाइम मैप डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस रोड से नहीं लेके आता है, और अगर आपको डायरेक्टली उसी रोड से आना है देन इन GPS यू शुड पुट 20 हेयर पिन बेंड्स टू एयरकॉट। ओनली डाउन साइड इज सेलम शहर से लेके आता है ये, दैट इज़ द ओनली डाउन साइड, अदरवाइज थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है, बट अदरवाइज दिस इज़ अ फैंटास्टिक रोड। फॉरेस्ट चेक पॉइंट है यहाँ पे, शायद गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, शायद पैसा मांगते हैं यहाँ पे घाट सेक्शन रोड यूज़ करने का, या कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट मांगते हैं, पता नहीं। हम लोग सिंस आए इस रोड से नहीं थे तो हम लोग को पता नहीं है यहाँ क्या क्या मांगते हैं, बट आई थिंक दैट वॉज अ गुड डिसीजन। आओ अपने नॉर्मल रोड से जाते समय ये वाला रोड लो, लास्ट हेयर पिन बेंड। सो नाउ पक्का वी आर साइनिंग ऑफ, बाय बाय एवरीवन। दीपा बोल रही है खाना भी दिखाएंगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया, बोर नहीं करना है अपने ऑडियंस को, है ना। ठीक है, विल टेक योर लीव नाउ, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे सेफ, वेयर मास्क ऑलवेज।